नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 13 नवंबर को राजस्थान में हुए विधानसभा उपचुनाव में जीते नए विधायकों का आज राजस्थान विधानसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के कक्ष में विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान जहां बाप विधायक अनिल कटारा अपने पारंपरिक अंदाज में नजर आए, तो वहीं रेवतराम डांगा ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। शपथ लेने के बाद विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया, साथ ही जनता के लिए जनता के बीच में रहकर काम करने का संकल्प भी लिया। राजस्थान विधानसभा में संख्या बल की अगर बात की जाए तो भाजपा 119 सीटों पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कांग्रेस 66, भारत आदिवासी पार्टी 4, बसपा 2 और आरएलडी 1 सीट के साथ ही निर्दलियों की संख्या 8 हो गई है, जबकि आरएलपी का पत्ता विधानसभा से साफ हो गया है। विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायकों ने आज विधानसभा में शपथ ली, लेकिन शपथ के साथ ही अपने विरोधियों पर कटाक्ष करने में भी ये विधायक पीछे नहीं रहे। दौसा से जीत हासिल करने वाले डीसी बैरवा ने अपनी जीत का श्रेय सचिन पायलट को देते हुए किरोड़ी लाल मीना पर निशाना साधा। डीसी बैरवा ने यहां तक बोल दिया कि एक पत्थर तोड़ने वाले को जनता ने जिताकर विधानसभा भेजा है। तो वहीं रेवतराम डांगा के साथ ही आए रिछपाल मिर्दा ने हनुमान बेनीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जितने बड़े बोल थे उससे बड़ी हार मिली है। तो वहीं रेवतराम डांगा ने भी हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। प्रदेश में इस समय मौसम अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। बीते एक सप्ताह से लोगों को मौसम से तालमेल बैठाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं तीखी धूप दिन में लोगों को जमकर सता रही है, तो वहीं रात को गुलाबी सर्दी हल्की राहत दे रही है। हालांकि प्रदेश में अभी भी औसत तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो वहीं बीते 24 घंटों में राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम मिला जुला दर्ज किया जा सकता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर विद्युत विभाग में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ने लगा है। जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पहले विद्युत विभाग की कर्मचारी एक महिला ने विद्युत विभाग के लाइनमैन पर छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में तंग परेशान करने के आरोप लगाए थे। परिवाद के आधार पर महिला पुलिस थाने में लाइनमैन राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को दलित समाज के समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक SC/ST रणवीर साई से मुलाकात कर कहा कि लगातार आरोपी पीड़िता को धमकियां दे रहा है, उसे डर है कि कहीं आरोपी उसके साथ कोई अनहोनी ना कर दे। वहीं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रणवीर साई ने कहा कि मामले की जांच मेरे द्वारा निष्पक्ष रूप से की जा रही है। तो वहीं महिला ने अब धरने पर बैठने की चेतावनी भी दे डाली है। राज्य स्तर पर हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा के शुल्क को लेकर निजी स्कूल संचालक और शिक्षा विभाग आमने सामने हैं। निजी स्कूल संचालकों ने शुल्क बढ़ोतरी का विरोध किया है। पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का शुल्क प्रति विद्यार्थी 6 रुपए लिया जा रहा था, अब विभाग ने प्रति विद्यार्थी 20 रुपए कर दिया है। जो पेपर 5 रुपए में छप रहा था उसे 20 रुपए लेकर विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है। स्कूल संचालकों ने बड़ा शुल्क लेने से इनकार कर दिया है। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुल्क बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए कहा है कि शुल्क इतना नहीं है जितना लोग एक दिन में गुटखा खा जाते हैं। अगर वे एक दिन गुटखा नहीं खाएंगे तो शुल्क का काम हो जाएगा। गौरतलब है कि इस बार विभाग अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा पेपर राज्य स्तर पर तैयार करवा रहा है। इसके में प्रति विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए 20 रुपए का शुल्क तय किया गया है, यानी अगर कोई विद्यार्थी दोनों परीक्षा देता है तो उसका शुल्क 40 रुपए होगा। 13 नवंबर को समरावता में हुई घटना के बाद न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे नरेश मीणा को सर्व समाज का साथ मिला है। सर्व समाज की ओर से 8 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत बुलाने का ऐलान करने के बाद अब सर्व समाज की ओर से आसपास के क्षेत्रों में पीले चावल बांटने शुरू कर दिए गए हैं। सर्व समाज के पंच पटेलों का कहना है कि 13 नवंबर की रात समरावता में पुलिस ने जो बर्बरता की उसकी अनदेखी सरकार कर रही है। सरकार के नुमाइंदे समरावता में आए दिन आ रहे हैं लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। ऐसे में 8 दिसंबर के दिन एक बड़ी महापंचायत करते हुए आगे आंदोलन की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। पश्चिम बंगाल में गुस्साए लोगों ने सीमा पर पहुंचकर सामान लेकर बांग्लादेश जा रहे ट्रकों को रोक दिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में करीब 50 लोग बांग्लादेश सहायक उच्चायोग परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ की। केंद्र सरकार ने देश भर में बांग्लादेश के मिशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही अब एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी लोगों ने दी है।
राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के विचार की वजह से पंचायती राज संस्थानों के चुनाव की डेट आगे बढ़ने की संभावना है। जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा वहां सरकार प्रशासक लगा सकती है। सरपंच चाहते हैं कि उन्हें कार्यवाहक के रूप में काम करने का अवसर दिया जाए। इस पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। दिलावर का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि प्रशासक लगेंगे या नहीं लगेंगे। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों के 7 सहकारी संस्थानों के चुनाव कराए जा सकते हैं। सरपंचों की मांग है कि पंचायतों का फंड जल्द जारी कर दिया जाए। गांव की सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रशासक किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5,934 पदों पर आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा का समापन हो गया है। बोर्ड की ओर से 3 दिनों तक 6 पारियों में आयोजित इस भर्ती परीक्षा के लिए 17 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 10वीं पास स्तर की इस परीक्षा को लेकर लंबे समय से युवा बेरोजगारों का इंतजार था। हालांकि परीक्षा में आयोजित सभी 6 पारियों का पेपर परीक्षार्थियों ने आसान बताया। हालांकि कुछ पारी में मैथ ने परेशान किया तो कुछ पारियों में रीजनिंग और जीके ने परीक्षार्थियों को सोच में डाला। हालांकि परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे आए जिनका उत्तर विकल्पों में नहीं था। ऐसे में परीक्षार्थियों ने बोर्ड से इन सवालों के बोनस अंक देने की मांग उठाई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच को एडिलेड में खेला जाएगा। डे नाइट इस टेस्ट मैच को लेकर दोनों ही टीमों ने अभ्यास शुरू कर दिया है। पहले टेस्ट में करारी हार के बाद जहां ऑस्ट्रेलिया वापसी के लिए पूरा जोर लगाते हुए नजर आ सकती है, तो वहीं भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा की दूसरे टेस्ट में वापसी होगी। वहीं शुभमन गिल भी पूरी तरीके से फिट होने के चलते दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर के सामने बड़ी चुनौती होगी कि पहले टेस्ट में शानदार टीम प्रदर्शन के बाद इन दोनों खिलाड़ियों की जगह किसको ड्रॉप किया जाए। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।